अपना जैकेट वगैरह यहाँ पर उतार दिया है क्योंकि ऑलरेडी इतना गर्म है ना भाई साहब, तगड़ा वाला शॉपिंग किया है भाई ने। मेकिंग माय वीडियो ब्रो, यो ब्रो, हाउ यू ब्रो? खोलो भाई। ये रहा ना भाई, स्पेशल हेलमेट। एडवांस बुक नहीं करोगे तो फिर सीट अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसके वजह से एडवांस बुक करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज दिन की शुरुआत अपने रूम से हो रही है। क्यों अपने रूम से हो रही है, उसका कारण भी आप लोग को दिखाऊंगा। ये देखिए, उसका कारण है ये। गोप्रो का सामान क्या लेना है, सब लेके जाना है या नहीं, सिर्फ बैटरी लेना है वो डिसाइड कर रहा था, और साथ ही साथ मीडियम मोड वैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए खोल के रखा है। जो लोग पूछते रहते हैं ना कि सिर्फ गोप्रो से काम चल जाएगा मोटो ब्लॉगिंग के लिए, आवाज़ भी आएगा लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, उसके लिए अलग से ये मीडियम मोड लेना पड़ेगा ताकि माइक जैक आप लगा सको यहाँ पर। वैसे मैं सिर्फ यही बैग कैरी कर रहा हूँ, कुछ अपना कपड़ा वगैरह, और वैसे आज स्पेशल डे है। क्यों स्पेशल है आज, वो भी आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे करके। इतना दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं स्पेशल जगह पर? वैसे आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग जम्पुई रोड का नहीं देखा है तो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, क्यों जाना पड़ रहा है, क्या है। एक तरफ से कह सकते हो जो भी अपने मन में है 80% ऐसा कुछ होगा, वो सब आप लोग को शेयर कर दिया। देख लीजिए, वहाँ पर मैंने शेयर किया था उस वीडियो में। और वैसे अभी सुबह के बज रहे हैं 9:56। हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अपने बस का टाइमिंग है 12:30। 12:30 से पहले मोटर स्टैंड पहुँचना पड़ेगा, यहाँ से छोटा गाड़ी पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद डायरेक्ट धर्मनगर, क्योंकि वहाँ से ही बस निकलता है। लेकिन अभी तो रास्ता इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, तो उसके वजह से बस तो नहीं आएगा कंचनपुर, और वहाँ से ही बस को पकड़ेंगे। जाने के टाइम आप लोगों से मिलते हैं। चुके हैं, आने के टाइम जो रास्ता वगैरह था वो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन देखो यहाँ पर पहुँच गए। कोई भी नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा दिखाने के लिए वीडियो ऑन किया है। ये देखो पूरा बस ही खाली है, अकेला, और मम्मी लोग नीचे है। ये देखो अपना जैकेट वगैरह यहाँ पर उतार दिया है क्योंकि ऑलरेडी इतना गर्म है ना। अभी लोग आ रहे हैं तो रास्ते में मिलते हैं, जो भी अच्छा चीज़ लगेगा मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। अभी खाने का ढाबा में रुके हैं, ये रहा, बाहर दिखा देता हूँ। अभी शाम का 7:27 ऐसा कुछ बज चुका है, फटाफट नीचे जाके खाना खाते हैं और उसके बाद जाते हैं। सुबह का 5:19, नीचे कुछ दिखाने को नहीं था। वैसे हम लोग थोड़ी देर पहले नुंगथुमाई पॉइंट पे उतरे थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा था ना, तो वीडियो नहीं लिया। जहाँ लाइट है वहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा है अपना थोपरा सुबह सुबह। वैसे ज़्यादातर सुबह के 2 बजे ऐसे में ही पहुँचते हैं। अरे अंधेरा हो गया, इधर देखो। हाँ, जैसा कि मैं बोल रहा था, ज़्यादातर 2 बजे ऐसे में ही हम लोग पहुँचते हैं धर्मनगर से यहाँ पर शिलोंग, लेकिन आज बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है उसके वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो 5 बजे ऐसा हो गया सुबह का। लेकिन खैर अपने लिए भी अच्छा है कि सुबह सुबह पहुँचे हैं ना।
शिलोंग का वेदर हर वक्त ठंडा ही रहता है। कोई शक ए, 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 ये रहा हम लोग को पिकअप करने आ रहे हैं। ये रहा तिकरुमा वो कंटेनर का दाम था। बहुत लेज़ है। पास्ता। घर पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, अफ्टरनून भी बोल सकते हैं। थोड़ा लेटा हुआ था तो आग लग गई। 12:08 ऐसा कुछ बजा है। तो अभी जा रहे हैं कितनी रोड पर, ताकि अपना बाइक का कुछ सामान वगैरह बहुत पार्ट्स लेना था। लास्ट टाइम आप लोगों ने देख ही लिया होगा जो एक्सीडेंट हुआ था, तो वही है, उसका एसेसरीज वगैरह लेने जा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये माथे पर क्या है, कल रात को आप लोगों ने देख ही लिया होगा आते समय, थोपड़ा थोड़ा अलग सा है तो उसकी वजह से। और ये जो लगाया हुआ है ये कपड़ा हेलमेट के लिए है। डायरेक्ट आप जब पहनते हो तो फिर डैंड्रफ वगैरह हो जाता है ना, तो उसके वजह से ये लगाया हुआ है। वैसे अपना भाई बाहर वेट कर रहा है तो उसके साथ ही जा रहा हूँ। ओह बहुत दिनों के बाद फिर से आ गए। ये रहा ना भाई। चलिए स्पेशल हेलमेट मेरे लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं कितनी रोड पे, जैसा कि मैंने कहा कितनी रोड पे हम लोग जा रहे हैं अपना बाइक का कुछ एसेसरीज लाने के लिए, तो चलिए। अपना मन पसंदीदा जगह एक तरफ से बोल सकते हो, थिंकिंग ट्रैफिक पॉइंट। अभी के लिए हम लोग कितनी रूप से पहले टिकट लेने जाएंगे, क्योंकि टिकट लेना मस्त है। एडवांस बुक नहीं करोगे तो फिर सीट अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसके वजह से एडवांस बुक करने जा रहे हैं। ये धान की थी। जब भी आप लोग त्रिपुरा जाना चाहें या फिर धर्मनगर, यहाँ से टिकट ले सकते हैं, और पास में ही पेट्रोल पंप भी है। A few moments later, टिकट लेके निकल चुके हैं अपनी दूसरी मंजिल की ओर, किटिंग रोड। ओहो, इतना धूप में भी ठंड। सिविल हॉस्पिटल इधर साइड में, सिविल हॉस्पिटल है थोड़ा आगे जाके। वैसे इधर नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इधर किटिंग रोड। फोटो व्लॉग का थोड़ा मजा लेना चाहते हो तो ये देख लो स्टीयरिंग के साथ। यदि आप बाइक का मॉडिफिकेशन क्या बहुत कुछ भी करवाना चाहते हो तो किटिंग रोड ही मेन है। ये देखो भर भर के मिलेंगे अलॉयज वगैरह। गाड़ी का भी मॉडिफिकेशन होता है और बाइकों का भी होता है, टायर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये रहा
पहुंच गए KTM शोरूम। ये रहा और पास में ये वर्कशॉप भी। फिलहाल जाके पूछते हैं एसेसरीज अवेलेबल होगा या नहीं। ये देखो अपना जितेंद्र भाई। कुछ तो बोलो। हेलो। यहाँ एक दुकान में आया हूँ, अपना भाई का दुकान है ये वाला। यहाँ पर अपना चश्मा बनवाने के लिए आया था। तो मेरा नहीं है, पापा का है। ये रहा और अभी बन रहा है। ये रहा, बाहर आ गया। ए, ए, ए। Making my video pro? ये रहा बन के रेडी। अरे ऐसे कौन पहनेगा, देख मैं एकदम मैला कर दिया। पूछेगा देख। Yo bro, how you bro? बाद में डाल के दिखाएगा। ये रहा ऑप्टिकल कॉर्नर है। Very famous shop. Very famous spectacle shop. Optical corners. और कुछ? ठीक है, यहाँ पर आके आप लोग बनवा सकते हैं। मजाक से हटके आके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, मैं नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे और लोकेशन भी यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। रीजनेबल प्राइस में मिलेगा आप लोगों को भी। और हाँ, मेरा रेफरेंस देने से थोड़ा और क्वालिटी ब्रो और थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। अभी थोड़ी देर बाद पेमेंट वेमेंट करके चलते हैं। सामान इतना ज़्यादा ले लिया है ना, ओवरलोड जैसा फील हो रहा है। घर में जाके आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या सामान लिया है। जैसे ये देखिए, आए थे सिर्फ कितनी रोड के लिए, लेकिन बड़ा बाजार ही पहुंच आए। अपना चश्मा वगैरह सब कुछ फिक्स हो चुका है। और वैसे ये देखिए, ये बड़ा बाजार जाने का रास्ता है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने यहाँ पर होलसेल मार्केट ऐसा कुछ वीडियो बनाया है। यदि आप लोगों ने नहीं दिखा है तो फिर से चेकआउट कर सकते हो। इधर साइड में जो होलसेल मार्केट है ना, यूर पार्क हियर व्हाट? आई डोंट नो, या आई गेस। व्हाट, वेयर विल गो मैन? बैक साइड वन। हां, वी विल गो बैक साइड फॉर अ व्हाइल। कम बैक साइड, इट्स फाइन नॉट टू पार्क हियर फॉर अ व्हाइल। शुड आई गेट डाउन? या फाइन नॉट। उतर के चलना पड़ रहा है, पार्किंग की जगह ढूंढते ढूंढते। और अपना भाई वाह चला गया, दिखाई दे रहा है। पार्किंग स्पेस तो यहाँ पर बहुत जगह है, पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा है। भाई को कुछ सामान देखना था तो उसके वजह से यहाँ पर थोड़ा रुके हैं। अपने भाई का बाइक पार्क हो चुका है, अभी चलते हैं। ओ भाई मेरे, अपनी बॉक्स में भर भर के सामान डाल दिए। बॉक्स फुल हो चुका है, फिर भी और दो सामान रह गया है लेने को। जाने के टाइम देखते हैं हो पाता है कि नहीं। So your that one sticker? So I came here. What do you need to man? Aisa. Helmet में लगाने से और भी अच्छा होता है। तगड़ा वाला शॉपिंग किया है भाई ने। वैसे हमने भी लिया है, घर पहुंच के आप लोगों को दिखाएंगे एक साथ क्या क्या लिया है। अभी निकल रहे हैं।
छूटे हैं रोड की ओर, क्योंकि एक सामान लेना भूल गया था तो उसके वजह से फिर से जाना पड़ रहा है। पार्किंग में जाएंगे और उसके बाद पार्किंग से बाइक का बाइक निकाल के सीधा गेटिंग रोड। ठंड है ना यहाँ पर, तो उसके वजह से अपना कोट भी जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता है, तो उसके वजह से ही ऐसा करते रहना पड़ता है। अपना ये जो नया कपड़ा जो चेंज हुआ है ना, दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा उसका कारण क्या है और कैसे हुआ। ये लो जी, पार्किंग पे आ गए। तगड़ी जाम को चीरते हुए डायरेक्ट अपने दूसरे मंजिल की ओर। सब जगह ट्रैफिक जाम। अरे भाई इधर इतना साइड पास में क्यों आ रहे हो? ये रहा, आते टाइम हम लोगों ने जो टिकट बुक किया था वो यहाँ से ठीक पेट्रोल पंप के सामने टिकट काउंटर, नेटवर्क पास काउंटर है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ उसका कारण भी यही है कि कुछ लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो जाए, ताकि टिकट काटने में मुश्किल ना हो, तो उसके वजह से दिखा रहा हूँ बार बार, आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी अभी दिखा रहा हूँ। और हाँ, फिर से मैं बता देता हूँ, जगह का नाम धानकिती बस काउंटर है। यहाँ पे नेटवर्क काउंटर भी मिल जाएगा, जगन्नाथ पूजा और भी बहुत कुछ, यही बताना था आप लोगों को। ये जो सामान है ना, मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा प्रॉपर एक एक करके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।